कीचड़ पानी से लबालब और स्कूल, अध्यापक की नहीं तो कैसे पक्की होगी बच्चों की नींद। रंगत स्कूल में 70 छात्र को पढ़ा रहा एक टीचर, पढ़ाई के लिए उफनते खड को पार कर रहे छात्र। देख रहे हैं आप, ये सारी खबरें सिर्फ आज के समाचार पत्रों से हैं, और हर दिन ऐसे ही तमाम समाचार पत्रों में हिमाचल प्रदेश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था अखबारों की सुर्खियां बनी रहती हैं। वो कहते हैं कि किसी भी प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था वहां की आईना होती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ये आईना धुंधला है। जर्जर सरकारी स्कूल, शिक्षकों की कमी, जान जोखिम में डालकर उफनते नालों को पार करते बच्चे, इस बात की गवाही देते हैं कि हिमाचल में भाजपा कांग्रेस ने शिक्षा को गर्त में धकेल दिया है। सवाल ये भी है कि आखिर भाजपा कांग्रेस ने हिमाचल को दिया ही क्या है? नेता अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं और प्रदेश के नौनिहाल बदहाल शिक्षा व्यवस्था के अंधकार में पल रहे हैं। हिमाचल की बदहाल शिक्षा व्यवस्था की जितनी जिम्मेदार भाजपा है, तो उतनी ही जिम्मेदार कांग्रेस भी है, क्योंकि इन दोनों ही पार्टियों ने हिमाचल पर बारी बारी से राज किया, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के बजाय इसे और ज्यादा गर्त में धकेला है। अब फैसला आपका है, आपको हिमाचल में अच्छे सरकारी स्कूल चाहिए या भाजपा कांग्रेस की बदहाली, क्योंकि देश में इकलौती ऐसी सरकार है जो पुल बनाने से पहले सरकारी स्कूलों को बनाने की बात करती है। नेताओं की जेब भरने की बजाय बच्चों के भविष्य को संवारने की बात करती है, आम आदमी पार्टी ने 7 सालों के अंदर दिल्ली में करके दिखाया है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाया है। यह हिमाचल में भी संभव है, क्योंकि सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही ऐसे नेता हैं जो हिमाचल में भी दिल्ली जैसे सरकारी स्कूल बना सकते हैं, हिमाचल के भविष्य को शिक्षा के ज्ञान से रोशन कर सकते हैं। इस बार बड़े बदलाव के लिए एक मौका केजरीवाल को।